टुडेज आवर टॉपिक इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन क्या होती है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे यंग वंस को राइज कराया जा सकता है। सो इसके टू टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका क्या मीनिंग है कि इसमें वन पेरेंट या सिंगल पेरेंट ही क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और इसके अंदर कौन सी डिविजन्स अकर करती हैं? ओनली माइटोटिक सेल डिविजन्स। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी तरीके की मेल और फीमेल गैमीट की फर्टिलाइजेशन नहीं होती। सो बेसिकली हम कह सकते हैं इसके अंदर किसी भी तरीके के रिप्रोडक्टिव सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और ना ही किसी तरीके की फर्टिलाइजेशन इसके अंदर देखी जा सकती है। सो इसी की वजह से इसको क्या बोला जाता है? अगैमेटोजेनेसिस या अगैमोजेनी। क्लियर? उसके बाद इसमें क्या होता है, जो डॉटर ऑर्गेनिज्म इस सिंगल पेरेंट से फॉर्म होंगे उनकी क्या होंगी? सिमिलर कॉपीज। वो बिल्कुल क्या करेंगे, एक जैसे दिखाई देंगे। इनको क्या बोला जाता है? क्लोन्स। क्या बोलते हैं इसको? क्लोन्स। सो बेसिकली इसके फोर कैरेक्टर्स हैं कि इसमें क्या होगा, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। किस टाइप के डिविजन्स अकर करती हैं? ओनली माइटोटिक सेल डिविजन्स। किसी तरह की फर्टिलाइजेशन इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, इसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है? अगैमेटोजेनेसिस या अगैमोजेनी। इसके अलावा यहाँ पे डॉटर ऑर्गेनिज्म की पेरेंट के जैसे बिल्कुल सिमिलर कॉपीज फॉर्म होती हैं और इसको क्या बोला जाता है? क्लोन्स। ठीक है, अभी हम करेंगे टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फीजन। फीजन लैटिन वर्ड फाइसस से डिराइव हुआ, जिसका मीनिंग क्या था? क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मतलब किसी तरीके का कट। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझते हो तो किसी तरीके के कट को क्या बोला जाएगा? क्लेफ्ट। ठीक है, अब पेरेंट ऑर्गेनिज्म का कट होके नए डॉटर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाना, इसी को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फ्यूजन। जिससे पेरेंट से क्या बन गई? सिमिलर डॉटर ऑर्गेनिजम्स। इजंट इट सरप्राइजिंग कि एक पेरेंट से दो डॉटर ऑर्गेनिज्म उसके कट होने पे बन गए, राइट? तो बेसिकली फ्यूजन क्या है? एक ऐसा टाइप किसका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसके अंदर डॉटर ऑर्गेनिजम्स कैसे बनती हैं? फीजन मीनिंग कट और क्लेफ्ट ऑफ पेरेंटल बॉडी विच डिवाइड्स इटसेल्फ। तो जब ये चीज खुद को डिवाइड कर रही है, इसमें कट लग रहा है, तो क्या फॉर्म हो जाएंगे? दो डॉटर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? इसके बाद हम लोग करेंगे इसकी टाइप्स। अभी ये भी दो तरीके से देखी जा सकती है। सबसे पहला है बाइनरी। जब फीजन कुछ इस तरीके से हो कि सिर्फ क्या फॉर्म हो जाए?
डॉटर ऑर्गेनिजम्स, क्या फॉर्म हो जाए सिर्फ टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। मल्टीपल कब बनेगी, जब टू और मोर, यानी कि बहुत सारे नंबर में क्या बन रहे हैं अपने पास, डॉटर सेल्स या डॉटर इंडिविजुअल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहां क्या हो रही है, मल्टीपल फिजन, राइट। सो बेसिकली आप इसकी क्या एग्जांपल दे सकते हो, सबसे सिंपल एग्जांपल है इसकी अमीबा। क्या है इसकी, अमीबा। और इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है, हमारी बॉडी में जब मलेरिया होता है तो वो किससे कॉज होता है, प्लाज्मोडियम, जो मच्छर है वो इस प्रोटोजोन को कैरी करता है और हमारी बॉडी के अंदर ये सेल्स क्या होते रहते हैं, डिवाइड विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल फिशन, राइट। तो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल क्या आ जाएगी, प्लाज्मोडियम, राइट। तो ये दो होती हैं अपने पास। बाइनरी फिशन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अ टाइप ऑफ फिशन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इंटू टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीपल क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट सेल्स डिवाइड इंटू टू और मोर डॉटर ऑर्गेनिजम्स। अभी ये तो हो गया, ये तो सिंपलर क्लासिफिकेशन थी जो आप अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। अब किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे बाइनरी फिजन की। अभी बाइनरी फिजन भी बहुत सारी टाइप्स की है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन, किस प्लेन से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। जब हम लोगों ने सेक्शनल स्टडीज पढ़ी, ठीक है, तो हम लोगों ने एक चीज स्टडी करी उसमें कि या तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है या ट्रांसवर्स सेक्शन होता है या कुछ पर्टिकुलर एंगल पे होता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑब्लीक, है ना। हम लोगों ने तीन सेक्शंस पढ़े थे, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लीक। अभी अगर कोई मर्जी सेक्शन से हम कटिंग देखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपलर। तो ये क्या है, बाइनरी फिजन की टाइप्स है ऑन बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी कि जो कट है, जो फिजन है, वो कौन से प्लेन ऑफ डिवीजन पे हो रही है। सो पहले अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के अलोंग डिवीजन हो रही है तो उसको क्या बोलोगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और अगर ट्रांसवर्स के अराउंड हो रही है तो उसको क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और अगर ऑब्लीक के अराउंड हो रही है तो उसको क्या बोलोगे, ऑब्लीक बाइनरी फिजन। और अगर किसी भी एंगल में फिजन हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंपलर बाइनरी फिजन। अब आते हैं इनकी डिटेल्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम स्टडी करें डिटेल में, सबसे कॉमन एग्जांपल जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन की हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, दैट इज युगलीना। क्या है, युगलीना। ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बायोलॉजी। इसकी जब डिवीजन होती है तो वो किसकी हेल्प से होगी,